गूगल एडसेंस पेमेंट मेथड एड कैसे करें? जी हाँ दोस्तों, आप चाहते हो कि गूगल पेमेंट मेथड एड करें, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि पेमेंट मेथड एड कैसे करें, अपना बैंक अकाउंट एड कैसे करें गूगल एडसेंस में। तो आप जो है इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा किस प्रकार से जो है गूगल पेमेंट मेथड एड करते हैं या तो बैंक अकाउंट एड करते हैं अपने एडसेंस पे। पेमेंट मेथड एड करना बस छोटी सी प्रोसेस है, बस जो है बैंक अकाउंट को एड करना है और जो है बैंक अकाउंट को एड करके बस हो गया। स्विफ्ट कोड अगर डाले, FIC कोड डाले, उसके बाद हो गया। लेकिन दोस्तों गलती आप ये करते हो, इसीलिए आपका जो है पेमेंट रुक जाता है, मतलब होल्ड हो जाता है, आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट पे नहीं आता है। कारण जो है जो गलती करते हो उसका कारण एक ही कारण है कि आप जो है कहां पर गलती करते हो, आप जो है एडसेंस पे जो है अपना पेमेंट मेथड एड तो कर लेते हो, लेकिन एड करते वक्त आप जो है एक गलती कर देते हो। गलती क्या है कि अपना स्विफ्ट कोड पे गलती करते हो, ठीक है। तो स्विफ्ट कोड आपको कहां से लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, किसका बैंक अकाउंट ऐड करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। पहले तो आपको कुछ बातें ऐसे बता दूं जो आप लोग गलती करते हो। लेकिन दोस्तों एड करना तो बहुत सिंपल सा काम है, छोटा सा प्रोसेस है, बस एक फॉर्म को फ्लिप करना रहता है, उस फॉर्म को जैसे फ्लिप कर लिए आपका बैंक अकाउंट एड हो गया। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये पता नहीं होता कि स्विफ्ट कोड कहां से लेना है और जो है बैंक अकाउंट कैसे एड करना है और जो किसका एड करना है, ये प्रोसेस आपको जान लेना चाहिए, तब जाके आपको बैंक अकाउंट एड करना चाहिए। तो बहुत से लोग जो है ये कहते हैं कि जो है बैंक अकाउंट तो मेरे नाम का नहीं है, ठीक है, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चौहान है, लेकिन मेरा एडसेंस जो बना हुआ है वो सुरेंद्र कुमार चौहान के नाम से बना है, लेकिन मेरे पास एक बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैं किसका, मेरे मम्मी का डाल सकता हूँ, पापा का डाल सकता हूँ, भाई का डाल सकता हूँ, ये बहन का डाल सकता हूँ, उनका जो है बैंक अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, तो उनका डाल सकता हूँ क्या? ऑलरेडी आप डाल सकते हो, किसी का भी डाल सकते हो, लेकिन मेरा जो कहना है कि अगर आपके भाई का डालते हो या आपके पापा का डालते हो या आपके बहन का डालते हो, तो उन लोगों से फिर आपको जो है पैसा लेना पड़ेगा, परिवार देख ही रहेगी, पैसा उनसे पे फिर लेना पड़ेगा। तो आप जो है ये करो कि आप जो है एक बैंक अकाउंट अपना खुलवा लो और जो है वहां से स्विफ्ट कोड ले आओ। स्विफ्ट कोड बहुत से लोग ये भी करते हैं कि जो है स्विफ्ट कोड मेरे को पता नहीं रहता है, और बैंक में जाते हैं, बहुत से जो बैंक रहते हैं वो गांव देहात ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और जो उन लोगों के पास स्विफ्ट कोड रहता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मान लो मेरे एक दोस्त था, ठीक है, एक बाहर का दोस्त मेरे को कॉल करके पूछ रहा था, भाई मेरा जो है बैंक अकाउंट है लेकिन जो है मैं बैंक गया था तो वहां पर गया था तो जो है मेरे को स्विफ्ट कोड नहीं मिला, ठीक है। तो मैंने उनसे एक बात कह दिया कि जो है आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, आपका बैंक ग्रामीण क्षेत्र में आता है, इसलिए उनके पास जो है स्विफ्ट कोड नहीं है, लेकिन आपके जिले में, ठीक है, आपके जिले में जो आपके जो बैंक है, आपके जो बैंक है उसका एक होम ब्रांच होगा, वहां पर से आप स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? आप जो है ऑनलाइन भी ले सकते हैं या तो बैंक से पता करके भी ले सकते हैं, इस प्रकार से स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अब मोबाइल स्क्रीन पे, इतना बात बता दिए, उसके बाद मोबाइल स्क्रीन पे चल के आपको फॉर्म फिलअप करके बता देते हैं किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है पेमेंट मेथड एड करने का, पूरी प्रोसेस जो है मोबाइल स्क्रीन पे लेके बता देते हैं, तब आपको पूरी समझ आ जाएगा। पहुंच गए हमारे मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको क्या करना है, अपना गूगल एडसेंस पे लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मैं पहले से जो है लॉगिन हो गया हूँ। लॉगिन होने के बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है अपना पहले तो अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन करके जो है गूगल एडसेंस को ओपन कर लूंगा। देखिए दोस्तों मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपना गूगल एडसेंस पे लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ मेरा बैलेंस आपको शो नहीं करूंगा क्योंकि ब्लर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अगर आप जो है फर्स्ट टाइम जो है मतलब ना पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हैं तो यहां पर आपको क्लिक करना नहीं पड़ेगा, यहां ऊपर साइड बार में यहां पर आपको पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए एक्शन बटन दे दिया जाएगा, यहां से आप जो है मतलब पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो है मैं जो है मेरा पेमेंट मेथड ऑलरेडी पहले से ऐड हुआ है, पहले से ऑलरेडी मतलब ऐड हो गया है, तो मैं यहां पर थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा। यहां पर थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यहां पर मेरे को मिल जाएगा पेमेंट के ऑप्शन पे मेरे को क्लिक करना है, तो मैं पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँ। आप यहाँ से भी कर सकते हो लेकिन जो है आपको एक्शन बटन पे ही करना चाहिए, या तो यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा दोस्तों मेरे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए दोस्तों थोड़ा स्लो चल रहा है, इसी तरह से लेट लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोड होने देते हैं, उसके बाद जो है आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, तो आपको सिंपली से क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे है। नीचे जैसे आओगे दोस्तों आपको यहां पर देखिए यहां पर हाउ यू गेट पेड, यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एड पेमेंट मेथड का, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी यहां पर मेरा पेमेंट मेथड एड हो गया है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर जो है
मैनेज पेमेंट मेथड, यहां पर मैं क्लिक करूंगा, मेरा ऑलरेडी हो गया है, तो आपको यहां पर पेमेंट मेथड एड पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करिए, तो मैं यहां पर मैनेज पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देता हूं। जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा दोस्तों, मेरे सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो इसी प्रकार से भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर एडिट मतलब बैंक अकाउंट को एडिट भी कर सकते हो, अगर कोई गलत आपने डाल दिया है, कुछ गलत डाल दिया है, तो यहां पर एडिट भी कर सकते हो। लेकिन जो है दोस्तों आपको एड पेमेंट मेथड करना है, तो एड पेमेंट मेथड करने के लिए दोस्तों यहां पर मैं जो है मेरा ऑलरेडी पहले तो हो गया है, लेकिन जो है आप लोगों को बताने के लिए बस एड करके बताने वाला हूं। तो यहां पर एड पेमेंट मेथड पे मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे एड पेमेंट मेथड पे क्लिक करूंगा दोस्तों, मेरे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये बेनिफिशियरी आईडी ऑफिसर का क्या क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है मेरे को, छोटा छोटा दिख रहा है, आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है जो। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, देखिए इस लाइन पे आपको एक भी इस पर छेड़छाड़ मत नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आ जाता है नेम आन बैंक अकाउंट, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सिंपली से अपना जो है जो भी आप बैंक अकाउंट, जिसका बैंक अकाउंट आप लिंक करना चाहते हैं, मम्मी का, पापा का या खुद का, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर क्या करना है, आपको बैंक का नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, या चैनल का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर सिंपली से आप क्या करोगे, जो पासबुक में नाम है, जिस नाम से पासबुक है, वही नाम को यहाँ पर फ्लिप करना है। जैसे कि मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चौहान है और मेरा पासबुक में भी सुरेंद्र कुमार चौहान लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सुरेंद्र कुमार चौहान ही लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाता है नीचे में बैंक नेम, ठीक है, यहाँ पर बैंक नेम आ जाता है। बैंक नेम में आपको क्या डालना, बैंक नेम में आपको डालना ये है, देखिए दोस्तों यहां पर बता दूं आपका बैंक कौन सा है, ठीक है। जैसे कि मेरा स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल लूंगा, या मैं बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ये नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आ जाता है एफआईसी कोड, ठीक है, यहां पर नीचे में देखिए एफआईसी कोड का ऑप्शन आ रहा है यहां पर, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, एफआईसी कोड, अपना जो एफआईसी कोड है उसको डाल देना है। और जो है यहां पर इसके बाद क्या आता है, स्वीप कोड के बारे में बताऊं दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन भी निकालना चाहते हो ऑनलाइन भी निकाल सकते हो, या तो बैंक में जाकर आप जो है उनसे पूछ सकते हो। अगर उन लोग नहीं बताते हैं आपको बैंक एफआईसी कोड, तो आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है जिले का, ठीक है, जिले का अपना जो है स्वीप कोड डाल सकते हो उस बैंक का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका पैसा जो है एक जैसे कि वो ग्रामीण क्षेत्र में बैंक रहते हैं, तो क्या होता है कि जो है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में बैंक रहते हैं तो उनके पास स्वीप कोड मौजूद नहीं रहता है, इसी कारण से वो लोग आपको जो है स्वीप कोड नहीं दे पाते हैं। तो आप जो है होम ब्रांच का जो है स्वीप कोड लेके यहां पर डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां आ जाता है यहां अकाउंट नंबर, ठीक है, यहां पर अकाउंट नंबर आ जाता है। तो अकाउंट नंबर पे आप क्या करोगे, अपना जो है अकाउंट जो भी नंबर है, अकाउंट का नंबर है वो डाल देना है आपको। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहां पर रिटाइप अकाउंट नंबर, ठीक है, फिर से आप अकाउंट नंबर यहां पर डाल दोगे। डालने के बाद दोस्तों आप क्या करोगे, डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पर आपको टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद दोस्तों यहां पर सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट मेथड एड हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।